कई सारे लोग अलग अलग धर्म के, अलग अलग मजहब के लोग बड़ी हिंसात्मक प्रवृत्ति से सनातन धर्म का अपमान करते आए, हिंदुओं का अपमान करते। हमारे हर सनातन मंदिर को हाथ लगाने वाले गलत सोच विचार का खत्म कर दीजिए, मार डालिए उस सोच विचार को। और उन सारे लोग जो अपवित्र सोच से आते हैं उनको रोक दीजिए। भैया जो भी कल आना चाह रहे हैं उनका नाम है जगन मोहन रेड्डी। हम बस उनसे एक ही सवाल करना चाहते हैं, जगन मोहन जी जब 18 बार आपने अपवित्र घी को वापस किया है तो आप 18 बार क्यों नहीं चढ़े? 18 बार आप हमारे सामने चंद्रबाबू नायडू जी के जैसे पत्र लेकर क्यों नहीं आए? कई सारे लोग अलग अलग धर्म के, अलग अलग मजहब के लोग बड़ी हिंसात्मक प्रवृत्ति से सनातन धर्म का अपमान करते आए, हिंदुओं का अपमान करते। अब तो हमारा ये क्षमा प्रार्थना स्वीकार कीजिए, हमारा इस प्रायश्चित को स्वीकार कीजिए और उग्र नरसिंहावतार बनकर इस धरती माता का बोझ उठाने, हमारे हर सनातन मंदिर को हाथ लगाने वाले गलत सोच विचार का खत्म कर दीजिए, मार डालिए उस सोच विचार को। और उन सारे लोग जो अपवित्र सोच से आते हैं उनको रोक दीजिए, आने मत देना। और हर वो सनातनी हिंदू जो धर्म के प्रतिष्ठापन के लिए, न्याय के लिए इस भारत वंश को, भारत को आगे लेके जाना चाह रही, उनके साथ रहिए, उनके हिम्मत दीजिए। जय बोलो गोविंदा गोविंदा। भैया जो भी कल आना चाह रहे हैं उनका नाम है जगन मोहन रेड्डी। हम बस उनसे एक ही सवाल करना चाहते हैं, जगन मोहन जी जब 18 बार आपने अपवित्र घी को वापस किया है तो आप 18 बार क्यों नहीं चढ़े तिरुमला? कई सारे लोग अलग अलग धर्म के, अलग अलग मजहब के लोग बड़ी हिंसात्मक प्रवृत्ति से सनातन धर्म का अपमान करते आए, हिंदुओं का अपमान करते। अब तो हमारा ये क्षमा प्रार्थना स्वीकार कीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।